पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान शहबाज अहमद सीनियर से मिलने फजाइया सोसाइटी लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। वो किराए के घर में पहली मंजिल पर मकीन है। दरवाजे पर उनसे मुलाकात हुई। दुनियाए हॉकी के सुपरस्टार हैं। 1994 में वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट के मुकाबले में हॉकी पाकिस्तान में पीछे रह गई? बात यह है कि क्रिकेट हमारे कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर हुई है और हॉकी पीछे रहने की वजह भी ये है कि इसमें इंसेंटिव्स बहुत कम थे। हालांकि अगर आप देखें, जब हम लोग हॉकी खेलते थे, हर फैमिली में चार चार पांच पांच लोग हॉकी खेलते थे, और जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि इसमें इंसेंटिव्स नहीं है, ये अट्रैक्टिव नहीं रहेगी, तो लोग पीछे हट गए और यूथ जो है वो क्रिकेट की तरफ डाइवर्ट हो गई। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। गली मोहल्ले में खेलते खेलते कौमी हॉकी टीम में जगह बना ली। वो क्या जज्बा था, वो क्या ख़ास बात थी जिसने आपको इस मकाम पर पहुंचा दिया? मैं जब स्कूल लेवल पे था, मेरा ख्याल 10 से 15 साल की एज, तो मैं फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों गेमों में बहुत अच्छा खिलाड़ी था। फुटबॉल ने मुझे फुटवर्क सिखाया, क्रिकेट जो है उसने मेरे रिफ्लेक्सेस तेज़ किए, हॉकी जो है उसने मुझे ट्रिक सिखाए कि कैसे आप बेहतर खेल सकते हैं, कैसे आप अपनी डिसीजन पावर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो जो मोहल्लों में खेलकर फीडबैक मेरे वालद साहब तक आई, उन्होंने कहा मेरे सारे बच्चे गेमें छोड़ दें, हॉकी छोड़ दें, सिर्फ मेरा बेटा शहबाज जो है वही हॉकी खेलेगा। फिर मैं स्कूल की तरफ से जब खेला हूँ तो मैं पूरे शहर में इतना फेमस हो गया और इतना पॉपुलर हो गया अपने स्टिक वर्क स्टॉपेज की वजह से नेचुरल ग्रास पे, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद के टीचर अब्दुलरहमान शाकर साहब थे वो मेरे घर आ गए। उन्होंने कहा स्कूल में आपके जो भी मार्क्स आए आपने हमारे कॉलेज में आना है, और इस तरह मेरी तवज्जो हॉकी की तरफ हो गई। बचपन में बड़े मजहबी थे, 5 वक्त अजान दिया करते थे, अब कितने मजहबी हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो सफ़ें भी साफ़ करता था, सफ़ें बिछाता भी था, हर अजान से पहले मस्जिद में मौजूद होता था। अभी भी मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ लेकिन घर पर ज़्यादा पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैराडोना ऑफ हॉकी और मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स कहा जाता था। दुनिया भर में जहाँ हॉकी खेली जाती है आपकी गेम को सराहा जाता था। आपने अपना कोई शागिर्द पैदा नहीं किया? पाकिस्तान में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म्स या अकेडमीज़ नहीं हैं जहां कोई भी अच्छा प्लेयर जिसको हॉकी की सेंस हो, हॉकी की समझ बूझ रखता हो, वो जाए और यूथ को ट्रेंड करे। क्योंकि अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एक्सीलेंस हॉकी अकेडमी नहीं बनाई जहां बच्चों को आप एकेडमिकली लुक आफ्टर कर सकें, उनको 3 टाइम का खाना मिल सके, उनको स्पोर्ट्स गियर मिल सकें। जब आप हॉकी खेलते हैं या हॉकी छोड़ते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां इस तरह हो जाती हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को भी देखते हैं, अपनी जॉब को भी देखते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हैं। ये माहौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करे तो मैं समझता हूँ जितने भी रोल मॉडल्स हैं या पाकिस्तान के स्टार हैं वो किसी भी ग्राउंड पर जाएंगे, उनका जाना बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगा और हमें जो है वो बैकअप भी मिल सकेगा अच्छे लड़कों का। 6 साल तक पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कप्तान रहे, क्या वजह है कि हम हॉकी में रोज़ बरोज पीछे जाते जा रहे हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारा जो पूल ऑफ प्लेयर है वो बहुत छोटा हो गया है। हमारे अब चंद इलाकों में हॉकी रह गई है जिनमें पीर महल है, गोजरा है, टोबा है। अब थोड़े बहुत बच्चे उन्हीं इलाकों से, रूरल एरिया से लाहौर आ जाते हैं। उनकी बेस जो बनती है ना फिज़िकल फिटनेस की, वो कम्पेटिटिव है ही नहीं। जितनी फिटनेस इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है वो उस लेवल को टच ही नहीं कर सकते। उसकी रीजंस बहुत ज़्यादा इस तरह हैं कि एक तो उनकी डाइट प्लान जो है मैं समझता हूँ वो अफोर्डेबल नहीं होगा बच्चों के लिए। क्या इसकी वजह एस्ट्रोटर्फ का ना होना है? इंटरनेशनल जो मैार है हॉकी का, क्या वो हमारे यहाँ नहीं है, क्या वजह है? मैंने अभी ये जो ओलंपिक के मुकाबले थे टोक्यो के वो देखे हैं, जो फाइनल टीम में दो आई हैं ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम, उनकी जो हॉकी है मैंने देखी है, ना तो वो 1984 लॉस एंजलस से ज़्यादा बेहतर थी, ना ही 94 सिडनी से बेहतर थी। बात यह है कि हमारा मेयार बहुत ज़्यादा गिरा है, इसमें एस्ट्रोटर्फ रीज़न नहीं है,
लॉस एंजलस जो ओलंपिक हम चैंपियन हुए वो भी एस्ट्रोटर्फ पे था, 94 सिडनी वर्ल्ड कप जो हम इस पे जीते हैं वो भी एस्ट्रोटर्फ पे था। बात यह है कि हमारी यूथ जो है उसमें हॉकी पॉपुलर नहीं रही, बच्चे जो है इंडोर गेम्स की तरफ चले गए। सिचुएशन ये हो गई थी, माँ बाप चाहते थे बच्चे घरों में रहें, महफूज रहें, और हॉकी के लिए हमने कोई अमली इकदाम नहीं किया। किसी भी 20-25 साल में मैं समझता हूँ किसी भी गवर्नमेंट ने कोई अमली इकदाम नहीं किया कि हॉकी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ रही है, हम उसको रिवाइव कर सकें। 3 साल तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे, इस अरसे में कौन से कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए और फिर ये उदा छोड़ क्यों दिया? बात यह है कि जब मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हॉकी का सेक्रेटरी जनरल बनकर 1 महीने के बाद, तो मैंने उसी वक्त मीडिया के थ्रू पूरे पाकिस्तान को बताया कि मैं कोई भी बेहतर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखें कैलेंडर के मुताबिक आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप ये ट्रेनिंग कैंप लगा सकते हैं या नहीं, आप अपनी टीम को हॉलैंड जर्मनी कहीं भेज सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी टूर अगर आपने करना है यूरोप का 15-20 दिन का, उसके लिए 2-3 करोड़ रुपये चाहिए। किसी भी सिस्टम के बगैर आप किसी भी चीज़ को रन नहीं कर सकते, और मैं बड़ा श्योर था कि मैं कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकूंगा। मैंने यह ज़रूर कोशिश की कि मैंने एक छोटी टीम तैयार की जिसको कनाडा भिजवाया, जिसके बच्चों को 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया भिजवाया, ताकि वो वहाँ रहकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, वो देखें कि इंटरनेशनली हॉकी हो किस तरह की रही है। लेकिन यह कि उनके लिए 4-5 साल दरकार थे, वो भी टीम, अब उसमें से आधे लड़के सीनियर टीम में इस वक्त हैं, आधे लड़के हॉकी छोड़ चुके हैं, और हॉकी में हम इसलिए फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते ज़्यादा, क्योंकि अगर जॉब्स मिलना बंद हो जाएं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे सकते, हॉकी एक फुल टाइम गेम है। पिछले 75 साल में वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको हिलाले इम्तियाज का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मिला, इस पर कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि मैं जब 1986 में पाकिस्तान टीम में आया हूँ तो मुझे पहला ही टूर्नामेंट लखनऊ में इंदिरा गांधी खेलने का मौका मिला। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उस वक्त पाकिस्तान को नए नए F-16 मिले थे और मेरे नाम के पोस्टर उन्होंने उठाए हुए थे, शहबाज़ अहमद F-16, शहबाज़ अहमद सुपरमैन। तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैं जिस कंट्री में पाकिस्तान में पैदा हुआ इसके लिए मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सका। और बात यह है कि हिलाले इम्तियाज़ मुझे खुशी है, हालांकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देखें मुझे ड्यूरिंग करियर मिला, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने हमें डिनर दिया, पाकिस्तान टीम को बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा शहबाज सीनियर जितनी दफ़ा मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना है, मैं इतनी दफ़ा कभी भी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। आप बताएं जी, आपके वालिद साहब की जो सबसे अच्छी खूबी है वो क्या है और कौन सी बात ऐसी है जिस पे आपको इतराज़ होता है? सबसे अच्छी जो खूबी है इनकी, इनका जो फ्रेंडली एटीट्यूड है हर किसी के साथ, घर में भी और बाहर भी एक लाइट सा एटमोसफियर रखा होता है कि बंदा अगला कंफर्टेबल हो जाए, ये सबसे अच्छी इनकी खूबी है। बुरी बात यह है जो डाइट का हमेशा कहते रहते हैं कि जंक फूड के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, और बहुत आपको पसंद है? हाँ जी, मुझे पसंद है, मुझे खाने पसंद है डिफरेंट, और मैं डिफरेंट तरह के खाने ट्राई करना चाहता हूँ। तो आपने क्या पढ़ाई की? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँ, बैचलर्स किया मैंने US से। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ही जॉब करनी है जी? फिलहाल तो यही इरादा है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करूँ। आपकी कौन सी गेम है पसंदीदा? बास्केटबॉल है फेवरेट। तो कौन प्लेयर है दुनिया का फेवरेट आपका? दुनिया का इस वक्त तो स्टेफन करी फेवरेट प्लेयर है। पापा वो ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, मेरे साथ अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे समझाते हैं और एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं ना, कि वो चाइल्डहुड में किस तरह वो उनका ये मसला था, फिर उन्होंने किस तरह डील किया था, और फिर मुझे भी इस तरह गाइड करते हैं। आपको हॉकी से दिलचस्पी है? इनके हॉकी के मैच देखे हैं पुराने कभी आपने? जी कुछ देखे हैं थोड़े बहुत, ये वर्ल्ड कप वगैरह, और आजकल तो खैर नहीं है इतनी हॉकी। आपको दिलचस्पी है हॉकी से कि नहीं? नहीं कोई खेलता ही नहीं है, वो पहले होता था ना हॉकी का, अब आजकल तो क्रिकेट का शौक है सारों को, अब वो इतनी पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, तो आपको कौन सी गेम पसंद है? फुटबॉल। कौन आपका पसंदीदा प्लेयर है? मेसी।
शहबाज साहब आप कितना पढ़े हैं? आमतौर पर खिलाड़ियों की तालीम रह जाती है। मैं जी स्कूल मैंने फैसलाबाद से ही मैट्रिक किया है, उसके बाद इंटर भी किया है गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से। मेरा ख्याल है मेरी खुशकिस्मती थी कि 12 जमातों तक मैं पाकिस्तान टीम में नहीं आया, तो मैंने इतना पढ़ा। फिर मैं जब टीम में आ गया हूँ तो 2-3 साल बाद मैंने प्राइवेटली ग्रेजुएशन भी की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि मैं ग्रेजुएशन कर सका। और क्योंकि आजकल जिस तरह गेम्स हैं इतनी साइंटिफिक हो गई हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप गेम प्लान भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एजुकेशन मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। बेटों के हमरा ब्रंच किया, खाना कोर्सेस में खाते हैं, घर से रवाना हुए। 18 साल तक कौमी और बैन अल-अक्वामी सतह पर हॉकी खेली, सबसे खुशी का लम्हा कब आया और सबसे अफसोसनाक लम्हा कौन सा? सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा तो 94 वर्ल्ड कप जो हम सिडनी में वर्ल्ड चैम्पियन हुए, कौमी तराना बजाया गया, पाकिस्तान का परचम 12 कंट्रीज में सबसे ऊपर लहराया गया। जो अफसोसनाक लम्हा था वो 90 वर्ल्ड कप था जब हम फाइनल हारे हैं, काजी मुहिब से पेनल्टी स्ट्रोक मिस हुआ, मेरे वालद वो वर्ल्ड कप देख रहे थे और 80,000 के करीब पाकिस्तानी ग्राउंड में मौजूद वो वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे थे, और वो जज्बा जुनून उसके बाद कभी भी नज़र नहीं आया, इसलिए उस वर्ल्ड कप का बहुत अफसोस है। क्या ये सच है कि हॉकी को भूख जो है उसने ख़त्म कर दिया? आप खुद जो है एक मुतवस्सत तबके में पैदा हुए, आपको क्या क्या मुश्किल पैदा है? मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैं 18 साल के करीब हॉकी खेल रहा हूँ, 30 साल हो गए मुझे दोबारा से हॉकी को देखने में। बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियली लुक आफ्टर नहीं हो सके इस कंट्री में, जो जो जिसकी सर्विसेज थी उसके मुताबिक एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, मेरे लिए खेल कूद के बाद अच्छा खाना पीना जो था वो एक ख्वाब की शक्ल थी। उसके अलावा जो अच्छे शूज़ होते हैं जिनसे आप एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेल सकते हैं, अच्छी हॉकी स्टिक जिस पे एस्ट्रोटर्फ पे खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी। हम शलवार कमीज़ पहनते थे, उसके नीचे से निकर पहन के गुजारा करते थे, और जो अच्छे शिन पैड होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते थे। हॉकी या फुटबॉल में चोटें भी बहुत लगती हैं, आपको चोटें लगी? बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, मेरे दो मेरे एक तो टांगों पे अगर आप देखें सारी टांगें जो हैं शिन पैड के बगैर खेल खेल कर ज़ख्मी हैं, और मेरे बाजू पे फ्रैक्चर हुआ है, मेरे मुंह पे 3-4 दफ़ा चोटें लगी हैं। हॉकी जो है अगर चोटों के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ सारी गेम्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम 94 सिडनी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का एक रन डाउन जिस पे हमने गोल किया 60 सेकंड से भी पहले, उसमें मेरा हैमस्ट्रिंग खिंच गया और मैं रोने लग गया और मुझे लगा कि मैं वर्ल्ड कप से आउट हो जाऊंगा। लेकिन हमारा फिजियोथेरेपिस्ट हॉलैंड का था रेंस, उसने मेरी बड़ी हेल्प की, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने मेरी मदद की। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर पहुंचे, इंटरनेशनल कोच एम रशीद, पाकिस्तान रेलवे के कोच मुश्ताक और पाकिस्तान फीमेल टीम के कोच परवेज ने इस्तकबाल किया। खिलाड़ी लड़कियों ने लेजेंड खिलाड़ी का इस्तकबाल किया। हॉकी फीमेल टीम ने मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस की। ग्राउंड में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का जायजा लिया। हॉकी हमारा कौमी खेल है और लाहौर का ये स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम तसव्वुर होता है, लेकिन शायकीन कहाँ गए?
ये एक टाइम था जैसे आपको पता है हॉकी पॉपुलर थी तो ये शायकीन से भी फुल होता था, और शायकीन जो होते हैं वो परफॉर्मेंस रिलेटेड होते हैं। जब उनको पता है कि हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे जा रही है तो कोई भी कोई इवेंट देखने नहीं आता, और 94 के बाद कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हमारे कंट्री में हुआ भी नहीं, जिसकी वजह से शायकीन का भी फुकदान है, प्लेयर्स का भी फुकदान है। मैं अभी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके एग्जेक्टिव बोर्ड का मेंबर हूँ, तो जब मैं वो मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ तो सारे एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबरान मुझसे पूछते हैं कि आपकी हॉकी को क्या हुआ। वो जो हम लाहौर हॉकी स्टेडियम की तस्वीर देखते हैं 70-80 हज़ार बंदे से भरा हुआ है, तो वो कहाँ गायब होगी? तो मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं होता। आप यहाँ कितनी दफ़ा खेले और क्या क्या यादें हैं इस स्टेडियम की? मैं तो इस स्टेडियम में कह लें 8-10 साल खेला हूँ, लेकिन जो मेजर इवेंट्स मैं यहाँ खेला हूँ उसमें कुछ टेस्ट सीरीज़ के मैचेस हैं। सबसे जो मेमोरेबल है वो 90 वर्ल्ड कप है लाहौर का, जो हम हॉलैंड से हार गए थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद 94 चैम्पियंस ट्रॉफी जिसमें हम चैम्पियन हुए, उसमें भी 35-40 हज़ार का क्राउड था। लाहौर स्टेडियम की खूबसूरती ये थी कि कोई भी दुनिया की टीम यहाँ आती थी उनको यहाँ खेलकर बड़ा फ़ख्र खुशी महसूस होती थी। अकॉर्डिंगली हमारी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान प्लेयर्स वो भी इस वेन्यू को बहुत इंजॉय करते थे। आपकी जो हॉकी की गेम थी उसमें क्या ख़ास वसफ़ था? कहते हैं आपकी ड्रिबलिंग, आपकी तेज़ी, आपकी फुर्ती और आपका लोगों को क्रॉस करना, डाज देना, ये सबसे मुख्तलिफ था। उसमें दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा कुदरती थीं, एक ये कि मैं गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी, और फिर एक विद दी बॉल एलिगेंट लुक, ये अल्लाह ताला की देन होती है। उसके अलावा जो अगर मैं अपने तौर पर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मेरी विद दी बॉल स्पीड वो बड़ी एक्सेप्शनल थी बाकी प्लेयर्स के हिसाब से, फिर उसी स्पीड में टर्न्स लेने, राइट या लेफ्ट या स्लांटिंग मूव होना, और फिर जब मेरे पास बॉल होता था तो अल्लाह ताला की तरफ से मेरा विज़न बहुत ही डिफरेंट था। मुझे पूरी ग्राउंड ऐसे नज़र आ रही होती थी जैसे मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं हॉकी वॉच कर रहा हूँ। मेरी अपोनेंट्स पे भी नज़र होती थी, मेरी अपने टीममेट्स पे भी नज़र होती थी, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मुझे लगती थी जब मेरे पास बॉल होती थी, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस होते थे तो मैं सिर्फ उस बंदे को बॉल खिलाता था जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता था, जो मैं समझता था कि ये बंदा जो है अब रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकेगा और मेरी टीम को फ़ायदा हो जाएगा। हॉकी के मुबस्सरीन कहते हैं कि आप बड़े बेगरज सेंटर प्लेयर थे, आपने इतने ज़्यादा खुद गोल नहीं किए जितने आपने के पास के बाद लोगों ने गोल किए, क्या वाकई ऐसा था? अब मैं की प्लेयर कंसिडर होता था, मैं ज़्यादा असिस्ट करता था। एक्चुअली जब आप रन डाउन करते हैं या इंडिविजुअल एफर्ट से 2-3 बंदों को विड्रॉ करते हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप स्कोर भी कर सकें। तो मेरी कोशिश यही होती थी कि जब मैं टोटली एग्जॉस्ट हो चुका हूं तो जो भी बंदा गोल माउथ पे अवेलेबल है उसको असिस्ट करूं। हमारा जो सेंटर फॉरवर्ड थे कामरान अशरफ, उन्होंने 94 वर्ल्ड कप में 8 गोल किए और 8 फील्ड गोल पूरे वर्ल्ड कप में किसी ने भी नहीं किए, और उसके सारे गोल जो थे मेरी असिस्ट पे थे। वर्जिश के लिए जिम आए, चुस्त और तवाना रहने के लिए वर्जिश मामूल से करते हैं, शादी कब और कहाँ की? शादी मेरी मेरे मामू की बेटी से हुई है। 91 में मैंने शादी की, हम लोग फैसलाबाद में ही रहते थे, मिलना मिलाना था, दोनों फैमिलीज जो थी उनकी खुशी थी। मैं आज भी बड़ा खुश हूँ अपनी शादी से, अपनी बीवी से। स्टारडम मिली तो ये तो नहीं सोचा कि शादी बहुत जल्दी कर ली? नहीं, बहुत सारे लोगों ने प्रपोजल्स दिए कि मैं जैसे हॉकी में अकेला स्टार हूँ तो आप किसी बड़ी फैमिली में शादी करने की कोशिश करें ताकि आपकी फैमिली इस्टेब्लिश हो, आप फर्दर ग्रो करें, तो मेरे जहन में इस तरह की कभी कोई चीज़ नहीं आई। टेस्ट क्रिकेट से जब कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो करोड़ों रुपया कमा चुका होता है, हॉकी का जो कौमी खिलाड़ी है उसकी क्या फाइनेंशियल सूरत हाल होती है, उसकी इक्तसादी सूरत हाल क्या होती है? देखें, हॉकी और क्रिकेट का कोई कंपेरिजन नहीं है पाकिस्तान में। अगर हॉकी प्लेयर्स के पास अच्छी जॉब है तो उसका फ्यूचर सिक्योर है,
अगर कोई हॉकी खेल रहा है उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है या वो 15 साल हॉकी खेल के रिटायर हुआ है तो मैं नहीं समझता कि उसके पास गाड़ी का मॉडल चेंज करने के भी पैसे होंगे। आप देखें 90 का वर्ल्ड कप जो हम हॉलैंड से फाइनल में हारे हैं, मुझे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा ये 2400 रुपये आपके हैं, आपने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। 2400 रुपया मुझे मिला था, जबकि क्रिकेट के खिलाड़ियों को तो लाखों रुपए मिलते हैं। हाँ, उनका डेली अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और फिर क्रिकेट में एक और भी बड़ा चाम है, अगर किसी को एक मैच भी खेलने का मौका मिल जाए तो वो फॉरेन काउंटी खेलने इंग्लैंड चला जाता है, उससे भी उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। हॉकी के इस तरह के बैन अवी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मौाक़े हैं वो नहीं है? इस तरह के मौाक़े हैं लेकिन हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं उनकी भी मोस्टली कोशिश इसी तरह होती है, अगर 6 महीने साल वो नेशनल टीम में आए हैं वो बांग्लादेश चले जाते हैं, वो हांगकांग चले जाते हैं, अगर यूरोप जाते हैं तो वो सब स्टैंडर्ड लीग्स खेलते हैं, क्योंकि जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो कैलिबर मांगते हैं। जिस तरह मैं अगर उनके पास गया था, 4 साल मैं हॉकी खेला हूँ हॉलैंड में, तो मेरा उनके साथ जो एग्रीमेंट था उस वक्त $2,00,000 का था। मेरे बच्चे फिलिप स्कूल में जाते थे हॉलैंड के आइंथोवन शहर में, मेरे बच्चों की स्कूलिंग फ्री थी, टेलीफोन फ्री था, ग्रॉसरी फ्री थी, हाउस रेंट फ्री था। तो या तो आप बड़े एक्सेप्शनल हो तो फिर आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है यूरोप में। पंजाब सोसाइटी में अपने दोस्त मियां फयाज सईद के घर पहुंचे। मेरे जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर ने और मेरे नाल मुहब्बत बहुत ज़्यादा है। ये जो लाहौर नहीं थी गए तो जो भी लाहौरों बाहरों आना है, यूके तो आना, आस्ट्रेलिया तो आना है, जिधरों भी आना है इन्होंने मेरे को आना है। खाना मेरे कोई कोई बाहर का खाना नहीं खाते, पीसी चो जिथे भी आन खाना घर का खाना है ये इन्होंने। असं बल्कि इन्होंने मैं ट्रैवल किया, अभी जो बाहर भी जाना है खाना घरों लैके जाना है और रास्ते से खाना है। बाकी वो लैजेंड ने उनके तो कोई शक नहीं, हाकी के तो वो है इंटरनेशनल प्लेयर ने, फेमस ने। जिते मैं नाल जाना लोग DHA जाइए, जिते जाइए लोग पहचान लेंगे शहबाज साहब, इतने शादी से जाइए शहबाज साहब। शहबाज साहब ना सिर्फ बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये दोस्तों के साथ शाना बशाना हमेशा खड़े रहते हैं, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है कोई फ़ोन आता है, इनका यही होता है कि इसका काम होना चाहिए, इसका होना चाहिए काम। मेरा तो टाइम अंकल के साथ बड़ा अच्छा गुजरता है, अंकल मेरे लिए तो एक मेंटोर हैं। तो बाकी ये कि इनके गोल्स वगैरह हम देखते रहते हैं, तो यही है कि इस तरह के लेजेंड्स काश दोबारा आ जाएं तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो जाए। बच्चों से हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं और हमारे लिए ना रोल मॉडल हैं, मेंटोर ही हैं। और इनसे हम जो मर्ज़ी बात शेयर कर दें ये ना इतने फ़नी और जॉली मूड में हमें पहले हमारे साथ बात करते हैं कि हम इनको ना एज अ फ्रेंड भी उनसे ना हम सब शेयर कर देते हैं। IT का इस्तेमाल किया गया, दोस्तों के साथ चाय पी और खुश कपियाँ लगाएं। शाम को अपने पीर आली शाह साहब आफ मद्दम अली शरीफ से मिलने पहुंचे। आली शाह साहब ने उनके एजाज में इशाइये का एहतमाम भी किया। पालम बकरा, करेले कीमा, बटेर और भिंडी गोश्त से तवाजो की गई। पाकिस्तान की तारीख में जो 4-5 बड़े फॉरवर्ड आए हैं, शमीउल्लाह, हसन सदार, शहनाज शेख, ये कुछ उनसे भी बड़ा प्लेयर था। और उसकी वजह मैं समझता हूँ कि ये जो इसकी टीम थी उसमें जो दूसरे खिलाड़ी थे वो इस पाया के नहीं थे जिस पाया का ये खिलाड़ी था। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, ये बॉल मिडल लाइन से लेके पीछे से लेके अपने एरिया से लेके फिर अपोनेंट के ऊपर डी के ऊपर हमला करता था। और ये स्पीड विद द बॉल, इट वाज वेरी वेरी नाइस एंड गुड।
जब ये खेलता था तो मुझे एक दुख होता था कि ये मेरे साथ क्यों नहीं खेला। अगर ये मेरे साथ खेलता तो मैं समझता हूँ कि लोग ध्यानचंद को भूल जाते। ये मेरा भी पसंदीदा है और बल्कि हमारी दो नस्लों का पसंदीदा है। मेरे फादर भी इनको बहुत पसंद करते थे। हॉकी के ज़माना अरूज में ही आपने पीआईए में नौकरी कर ली, नौकरी कैसी चली? हाँ, मैं जब पीआईए में आया मैंने बड़ा इन्जॉय किया। मुझे 36 साल हो गए हैं पीआईए में काम करते हुए। पीआईए में आकर आपको ये होता है कि आप घर बैठते हैं, पीआईए को प्रमोट करते हैं और पीआईए आपको सैलरी देती है। 20-25 साल तो मैं इस तरह रहा हूँ। जब अब आज से 15-20 साल पहले फिर मैंने प्रॉपरली सोचा कि घर बैठने से अच्छा है मैं पीआईए के लिए काम करूँ। पीआईए के लिए मैं फैसलाबाद में थोड़ी देर काम करता रहा हूँ, उसके बाद मैं सेल्स मैनेजर रावलपिंडी चला गया, फिर मैं कार्गो डिवीजन में डिप्टी जनरल मैनेजर बना और पीआईए की वजह से मैं मदीना मुनव्वरा पीआईए का मैनेजर रहा हूँ 4 साल। फिर वापस 3 साल के लिए आया तो फिर दोबारा मुझे कंट्री मैनेजर सऊदी अरेबिया बनाकर भेज दिया गया। बतौर खिलाड़ी तो आपकी परफॉर्मेंस आउट क्लास रही, ये बताएं कि बतौर मैनेजर सऊदी अरेबिया पीआईए में आपकी कारकर्दगी कैसी रही? मुझे खुशी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं आता था, मैं जाकर मेहनत की, मैंने अपनी जगह बनाई। मदीना में भी जो मेरी एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट है उस पर हमारे जनरल मैनेजर ने लिखा था कि ही इज़ एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं 4 साल कंट्री मैनेजर सऊदी अरेबिया रहा हूँ तो मेरी 4 साल की जो ACRs हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुशी है कि मैंने बेहतर काम किया पीआईए के लिए। आजकल मामलात कैसे चल रहे हैं, आजकल कहाँ हैं आप? आजकल मेरी पोस्टिंग कराची हुई हुई है डिप्टी जनरल मैनेजर स्पोर्ट्स में, उससे पहले मैं रावलपिंडी में काम करता था। सुना ये गया है कि एयर मार्शल अरशद मलिक के आने के बाद पीआईए की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, आपका क्या ख्याल है? अरशद मलिक साहब जब से पीआईए में आए हैं उनकी इंटेंशंस जो हैं बहुत अच्छी हैं और नए एयरक्राफ्ट लाए हैं, उन्होंने गोल्डन शेक एंड स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है। उनकी कोशिश यही थी कि पीआईए जो है दोबारा से प्रमोट हो और अपनी जगह बनाए दुनिया में जिस तरह कभी पीआईए होती थी। लेकिन आपको पता है कि उनके लिए सेटबैक ये है कि एकदम से एविएशन इंडस्ट्री जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, लोगों ने ट्रैवल करना छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जिस डेडिकेशन डिवोशन से काम किया, पीआईए ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है उनकी क्यादत में। जिस तरह इमरान खान 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर लाए, बिल आखिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, आपने 1994 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता, लेकिन आप सियासत में नहीं आए, क्या कभी सोच आती है कि आप भी सियासत में आएँ और वज़ीर आज़म का अहदा पाएँ? मेरा इस तरह के इरादे नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अपने अपने नसीब की बात होती है, क्योंकि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना था, शहबाज सीनियर ने कुछ और बनना है, तो ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, मैं इनमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हॉकी के सिलसिले में दुनिया भर में घूमे हैं, कौन सा शहर और कौन सा मुल्क पसंद आया? अगर हॉकी देखने या खेलने के हवाले से बात करेंगे तो हॉलैंड से अच्छा कंट्री कोई नहीं है, क्योंकि फैमिली का हर बंदा जो है हॉकी खेलता है हॉलैंड के अंदर। और अगर वैसे बात करेंगे देखने की तो मुझे न्यूज़ीलैंड बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया में अगर 40-50 कंट्री मैंने देखे हैं, सबसे कम पॉपुलेशन और सबसे कम ट्रैफिक जो है वो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड मेरा फेवरेट कंट्री है। अपने अलावा हॉकी के कौन से खिलाड़ी आइडियल रहे? जब मैंने हॉकी स्टार्ट की तो उस वक्त बहुत सारे हीरोज़ थे पाकिस्तान में, लेकिन मैंने दो को ज़्यादा अपना आइडियल बनाया, उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनमें कलीमुल्ला थे राइट आउट और एक हसन सरदार थे सेंटर फॉरवर्ड। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि जब उनका कैरियर एंड हो रहा था तो मुझे उन दोनों के साथ 1 साल खेलने का मौका मिला, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा हॉकी सीखी। आप हॉकी का बहुत बड़ा मोतबर नाम है, आपके ख्याल में ऐसा क्या किया जाए कि हॉकी दोबारा से बहाल हो जाए, दोबारा से लोग उसे देखने लगे? इसके लिए बेहतर ये होगा कि 3-4 पूरे कंट्री में हॉकी सेंटर्स बनाए जाएँ, जहाँ आप टैलेंट हंट करके डिफरेंट ईयर्स की टीमें लाएँ, अंडर 14 से शुरू कर अंडर 20 तक, उनको एकेडमिकली आप लुक आफ्टर करें, उनके लिए स्टाइपेंड करें, उनको स्पोर्ट्स गियर दें, उनको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें, उनको ग्रूम करें, पॉलिश करें। अगर पाकिस्तानी टीम के प्लेयर पॉलिश नहीं होंगे, IQ लेवल अच्छा नहीं होगा, और जो एक सर्टन टाइम होता है जब उनकी फिटनेस अच्छी हो, उस वक्त तक हॉकी ठीक नहीं हो सकती। अगर आज हम दुनिया से कंपेयर करेंगे, हमारी अब स्किल भी कंपेटिटिव नहीं है दुनिया के साथ, हालांकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले मशहूर होता था रूल किया है
कि स्किल में पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं है। आज हमारी फिटनेस वो भी कम्पेटिटिव नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चे देखते हैं तो टाइनी टाइनी बच्चे हैं और वो फिज़िकली नज़र ही नहीं आता कि अगर इन पर 2-4-5 साल लगाए जाएंगे ये इतने अच्छे हो जाएं कि पाकिस्तान दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके।